Hello students, we all know about COVID-19 and we listen that stay home and stay safe. So as a result, education has changed and we study online. Today we will study Standard 8 Sanskrit Chapter Number 1 Chitrapadani 1 means words through pictures. In this chapter, we study about the pronunciations like esah, sa, eshah, sa, etat, tat, aham, tvam. पर esah और sa, esah, sa, वो क्या है सब कुछ? वो gender discrimination है. यहाँ पे तीन प्रकार के gender है वो हमें पढ़ने को मिलेगी. पहले है मैस्कुलाइज जेंडर, सेकंड फेमिनाइज जेंडर एंड थर्ड है न्यूट्रल जेंडर. अब मैस्कुलाइज जेंडर मीन्स पीपल और एनिमल्स दैट आर मेल आर ऑलवेज मैस्कुलाइज नाउन. यानी कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसे हम मैस्कुलाइज जेंडर कहते हैं. ऐसे ही फेमिनाइज जेंडर, फेमिनाइज जेंडर इज पीपल और एनिमल्स देर फीमेल नेम इज अ फेमिनाइज जेंडर. यहाँ पे जो स्त्रीवाचक सर्वनाम है उसे हम फेमिनाइज जेंडर कहते हैं. और तीसरा है न्यूट्रल जेंडर. नाउन दैट डेनोट अ लाइफलेस थिंग इज कॉल्ड न्यूट्रलाइज जेंडर. मीन्स जो मेल नहीं है और फीमेल भी नहीं है ऐसे नामों को हम न्यूट्रलाइज जेंडर कहते हैं. लाइक पेन है और ना ही स्त्रीवाचक नाम है और ना ही वो पुल्लिंग है, इसलिए हम उसे न्यूट्रलाइज जेंडर कहेंगे. सो वी फर्स्ट स्टडी मैस्कुलाइज जेंडर. एषः और श, एषः यहाँ पे एषः यानी कि नज़दीक. नज़दीक को हम क्या कह के बुलाते हैं? दिस. यहाँ पे हम दिस, यहाँ पे कोई चीज़ नज़दीक हो तो हम ऐसे बोलते हैं कि दिस इज़ द पेन, यानी कि यहाँ पे पेन है. और यहाँ स यानी कि जो चीज़ दूर है उसके स के लिए है यहाँ पे देट का यूज़ होगा. तो पहला है एसह सुकह. यहाँ हम देख रहे हैं सुकह यानी कि पैरोट. यहाँ पे पैरोट है वो यहाँ पे जो गर्ल है उसके नज़दीक दिखाया गया है. तो यानी कि दिस इज अ पैरोट. एसह सुकह यहाँ के दिस का प्रयोग होगा. दिस इज अ पैरोट. स मयूरह यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो गर्ल है उससे कितना दूर है वो मोर है. तो स मयूरह यानी कि मोर का दर्शाने के लिए दैट इज अ पीकॉक यानी कि पीकॉक है वो दूर है इसलिए दैट का यूज होगा. दैट इज अ पीकॉक. फिर एसह स्वान दिस इज अ डॉग. स सिंह दैट इज अ लायन. दिस इज अ डॉग दैट इज अ लायन. एसह गजह यानी कि That is an elephant. Sa aswah. That is a horse. This is a an elephant. That is a horse. यहाँ पे हम देख लेते फिर से एक बार. एसह सुकह. This is a parrot. Sa mayurah. That is a peacock. एसह स्वान दिस इज अ डॉग. सह सिंह दैट इज अ लायन. एसह गजह दैट इज एन एलिफेंट. स अश्वह दैट इज अ हॉर्स. यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ के सारे के नाम यानी कि शुकह, मयूरह, स्वानह, सिंह, गजह और अश्वह, ये सारे
मस्कुलाइज नाउन्स हैं, यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम है। सुकह यानी कि पैरोट, मयूर यानी कि मोर, स्वान यानी कि कुत्ता, सिंह यानी कि लायन है वो भी पुरुषवाचक सर्वनाम है। गजह और अश्व भी सारे के सारे पुरुषवाचक सर्वनाम है, यानी कि ये सब मस्कुलाइज नाउन है। तो यहाँ पे एस और स है वो मस्कुलाइज नाउन का निर्देश करते हैं। उसके बाद आता है फेमिनाइज नाउन, यानी कि स्त्रीवाचक सर्वनाम, या तो स्त्रीलिंग कह सकते हैं आप लोग। यहाँ पे वो भी दो है, एसहा और सा। यहाँ भी एसहा के लिए हम धिस का प्रयोग करेंगे, सा के लिए हम थेट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, एसहा बालिका, यानी कि वो बालिका है, यानी कि धिस इज अ गर्ल। सा प्रतिमा, धेट इज अ स्टैच्यू। यहाँ पे बालिका है वो नज़दीक है, स्टैच्यू है वो दूर है। या नज़दीक का दर्शाने के लिए हम लोग धिस का प्रयोग यूज करते हैं और दूर का दर्शाने के लिए हम धेट का यूज करेंगे। ऐसा है उत्पीठिका, उत्पीठिका यानी कि टेबल। दिस इज अ टेबल। सा चंचिका है, संचिका मीन्स के फाइल, यानी कि धेट इज अ फाइल। ऐसा गीता है, दिस इज अ गीत, दिस इज गीता। सा पूजा, देट इज पूजा। यहाँ पे हम सी का प्रयोग भी कर सकते हैं, सी इज गीता, सी इज पूजा। फिर से हम एक बार पूरा का पूरा देख लेते हैं। ऐसा हाँ बालिका, दिस इज द गर्ल, देट इज अ स्टैच्यू। ऐसा उत्पीठिका, दिस इज अ टेबल। सा संचिका, देट इज अ फाइल। ऐसा गीता, दिस इज गीता। सा पूजा, देट इज पूजा। सी इज गीता, सी इज पूजा। यहाँ पे हमने देखा बालिका, प्रतिमा, उत्पीठिका, संचिका, गीता और पूजा, सारे के सारे नाउन्स है वो फेमिनाइज नाउन है, यानी कि स्त्रीवाचक नाम है। इसलिए वो सारे स्त्रीवाचक नाम है, उसके ही कारण उसके आगे एसहा और सा का प्रयोग हुआ है। अब देखेंगे एतत और तत। एतत और तत है वो न्यूट्रल जेंडर है, यानी कि नपुंसक लिंग है। अब एतत और तत के लिए भी धिस और धेट का ही यूज होगा। एतत वातायनम, वातायनम यानी कि विंडो। दिस इज अ विंडो। तत द्वारम, द्वारम यानी कि डोर। देट इज अ डोर। दिस इज अ विंडो, देट इज अ डोर। एतत पुस्तकम, एतत पुस्तकम, पुस्तकम यानी कि बुक। दिस इज अ बुक। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ एक पिक्चर्स दिया गया है, तो तत चित्रम, चित्रम यानी कि पिक्चर। देट इज अ पिक्चर। दिस इज अ बुक, देट इज अ पिक्चर। एतत बस यानम, यानी कि दिस इज अ बस। एतत बस यानम, दिस इज अ बस। तत विमानम, तत विमानम यानी कि देट इज एन एरोप्लेन। तत विमानम यानी कि देट इज एन एरोप्लेन। हम फिर से एक बार देख लेते हैं। एतत वातायनम यानी कि दिस इज अ विंडो। तत द्वारम यानी कि देट इज अ डोर। एतत पुस्तकम यानी कि दिस इज अ बुक। तत चित्रम यानी कि देट इज अ पिक्चर। एतत बस यानम यानी कि दिस इज अ बस। तत विमानम यानी कि देट इज एन एरोप्लेन।
यहाँ पे हमने देखा कि एतत और तत का यूज न्यूट्रलाइज नाउंस के लिए यूज होता है। वातायनम, द्वारम, पुस्तकम, चित्रम, बस्यानम और विमानम, इस सारे के सारे न्यूट्रल जेंडर है। और इसके लिए यहाँ पे एतत और तत के लिए धिस और धेट का ही प्रयोग होगा। अब इसके बाद अहम और त्वम को देखेंगे। यहाँ पे अहम यानी कि आई, त्वम यानी कि यू, और यहाँ पे अहम है वो सिंगुलर है, तम है वो, अहम यानी कि आई और आई है वो सिंगुलर होता है, त्वम यानी कि यू, यू दोनों के लिए यूज होता है, सिंगुलर और प्यूरल। यहाँ पे हम सारे के सारे सिंगुलर फॉर्म के लिए ही यूज का यू का प्रयोग करेंगे। अहम शिक्षक, आई एम अ टीचर, त्वम छात्र, यू आर अ स्टूडेंट, आई एम अ टीचर, यू आर अ स्टूडेंट। अहम बालिका, आई एम अ गर्ल, तुम बालक, यू आर अ बॉय, आई एम अ गर्ल, यू आर अ बॉय। अहम युवक, आई एम अ यंग मैन, तुम युवती, यू आर अ गर्ल, आई एम अ यंग मैन, यू आर अ गर्ल। यहाँ पे फिर से मैं एक बार देख लेते हैं। आई एम अहम शिक्षक, आई एम अ टीचर, तुम छात्र, यू आर अ स्टूडेंट। अहम बालिका, आई एम अ गर्ल, त्वम बालक, यू आर अ बॉय, आई एम अ अहम युवक, आई एम अ यंग मैन, त्वम युवती, यू आर अ गर्ल। यहाँ पे आई एम अ टीचर, आई एम अ गर्ल और आई एम अ यंग मैन, इसके लिए यहाँ अहम के अहम यानी कि मैं आई का यूज हुआ है। और यहाँ पे यू आर अ स्टूडेंट्स, यू आर अ बॉय और यू आर अ गर्ल, यहाँ पे त्वम के लिए यू का यूज हुआ है। यहाँ पे चित्रपदानी एक में हमने देखा है, सारे पिक्चर्स को देखे है, उसका ट्रांसलेशन का यहाँ पे जो लाइन दी गई है उसका ट्रांसलेशन भी किया है। अब आप लोगों को यहाँ पे आज हमने क्या पढ़ा है पहले तो ये देख लेते हैं। आज हमने थ्री टाइप्स की जेंडर, मस्कुलाइज जेंडर, फेमिनाइज जेंडर और न्यूट्रल जेंडर पढ़े हैं, और दो आई और यू का भी पढ़ा है। तो अब हम आप लोगों को होमवर्क में एक पूरा का पूरा इस चित्रपदानी एक का भाषांतर लिख ट्रांसलेशन पूरा का पूरा लिखना है। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ जो पिक्चर्स दिए गए हैं उसके नाम को लेके दिस इज और दैट इज ही लगाने हैं। जो चीज़ें नज़दीक दी गई है वो दिस इज है, और जो दूर है उसके लिए आपको दैट इज का यूज़ करना है। और यहाँ पे मैंने सारा का सारा ट्रांसलेशन है वो बोल भी दिया है, तो आपको सुनकर भी वो लिख सकते हैं। तो आपको ये याद भी रखना है कि ऐसा हो स, ऐसा हाँ सा, एतत तत और अहम त्वम का यूज़ क्या होता है, और इस सबको याद करके आपको लिखना भी है। थैंक यू।